એટલી સુંદર ફિલ્ડિંગ ત્યાં બોલર દ્વારા. મહેકે પોતાની બોલિંગ ઉપર સારી ફિલ્ડિંગ નું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું. ત્યાં કોઈ રન નથી આપ્યો હજી સુધી, એક બોલ ઓર એ ક્લીન બોલ. बल्लेबाज को चेतना आउट होकर वापस पेविलियन पहुंच चुकी है. उसकी जगह नए बल्लेबाज के रूप में आई है नाम सो. खेल दिया बहुत ही चतुराई पूर्वक, एक रन लेने में कामयाब वहां पर प्रगति. अपना खाता खोलते हुए वहां पर प्रगति. अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, फील्डर मौजूद, दो रन जुड़ेंगे. ये वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा, बाय का इशारा, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. हेलो, तीन रन एक विकेट के नुकसान पर. हेलो, अंडर 16 रॉकस्टार 11 थाना अने जीबी ब्लास्टर थाना रिपोर्टिंग करावी जाए. અંડર 16 ની ટીમો જીબી બ્લાસ્ટર થાણા અને રોકસ્ટાર રિપોર્ટિંગ કરાવી જાય. અગલી ગેંદ ઘૂમ કર ખેલના ચાહતે થે, પેરો પર લગી ગેંદ, કોઈ નુકસાન નહીં, કોઈ અપીલ નહીં, સ્કોર વહી પર રુકા હુઆ ટીમ કા 11.5 કા. ચાર રન एक विकेट के नुकसान पर. फिर से गेंदबाज तैयार और ये क्लीन बॉल. रही है उनकी जगह लेने आगे नई बैटर जिनका नाम है सृष्टि. स्कोर 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. सही है भाईजान. सृष्टि मैदान पर पहुंच चुकी है. एक ओवर की समाप्ति के बाद पनवेल विमेंस 11 का स्कोर है 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. नए गेंदबाज के रूप में मोनिसा मोनिका मोनिका जिम्मा संभालेंगे. दूसरी ओवर लेकर आ रहे अपनी टीम की ओर से, सामना करेंगे नए बैटर के रूप में पहुंचे वहां पर प्रगति. बाएं हाथ से अच्छी गेंद, इतनी अच्छी कीपिंग विकेट के पीछे विकेट कीपर हेमलता बहन. अगली गेंद सामना करेगा प्रगति और ये वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी. स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सहाड़ विमेंस 11 का. हवा में गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहां पर प्रगति. अगली गेंद
अच्छा शॉट, गेंद हवा में है, वहां पर फील्डर मौजूद, देखते हैं क्या कर पाते हैं। रोक लिया बहुत बढ़िया तरीके से, वापस कर दिया बॉलर की दिशा में, दो रन चुराने में कामयाब वहां पर प्रगति। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, प्रगति करता हुआ, प्रगति के सहारे 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद सामना करके फिर से एक बार प्रगति, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं, मिसफील्ड वहां पर विकेटकीपर द्वारा, और एक रन चुराने में कामयाब वहां पर प्रगति। सृष्टि तैयार, लेफ्ट हैंडेड लेफ्टी, और ये वाइड का इशारा और ये बाइक का इशारा, 2 रन की इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का। कितना रन हुआ रे दादा? 10 रन। सृष्टि सामना करेंगे मोनिका की अगली गेंद का, लेफ्टी बैट्समैन, अच्छी गेंद पैरों पे लगी, अपील की जा रही है वहां पर, मगर कोई असर नहीं अंपायर। सृष्टि फिर से तैयार, बाएं हाथ के बैटर, अगली गेंद खेल दिया है वहां पर, सीधा वापस बॉलर की दिशा में, फॉलो थ्रू में कनेक्ट किया, गेदर किया, फिर से तैयार सृष्टि, फिर से तैयार मोनिका की अगली गेंद का सामना करने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट के पीछे अथा गैदरिंग, गेंद लपका, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पनवेल विमेंस 11 का 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सहाड़ 11, क्षमा कीजिए, सहाड़ विमेंस 11 का स्कोर 2 ओवर के बाद 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज के रूप में महक, और यह गेंद जा रही विकेट के पीछे, 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए मोड़ चुके हैं, आसानी के साथ 2 रन पूरा किया वहां पर दोनों बैटर ने। स्ट्राइक पर है अब प्रगति, सामना करेंगे महक पोकार का, बल्लेबाज के रूप में प्रगति पोकार, दोनों पोकार बहने एक ही गांव के कच्छ में, रतड़िया की दोनों बहनें। अगली गेंद घूमकर खेल दिया है वहां पर, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, केवल 1 रन फिर भी मिलेगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, क्षमा कीजिए, 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सृष्टि तैयार, सृष्टि फिर से तैयार, गेंद हवा में मगर और ये आउट, बहुत ही बढ़िया शॉट अपनी बॉलिंग में के रूप में मित्तल पहुंच रही है क्रीज पर। यह तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर, मिनल नए बल्लेबाज के रूप में, मिनल पहुंच रही है क्रीज पर होले होले, 3 विकेट का अब तक पतन हो चुका है सहाड़ विमेंस 11 का, स्कोर है 13 रन। प्रगति रहेगी स्ट्राइक पर,
सामना करेंगी गेंदबाज। घूमकर खेलना चाहती थी मगर नाकाम रही, बल्ले पर गेंद आई नहीं और यह डॉट बॉल। महक ने बहुत ही अच्छा कैच लपका था अपनी बॉलिंग पर, बहुत ही सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद। अगली गेंद, घूमकर खेलना चाहते थे, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, विकेट कीपर ने काम पूरा किया, विकेट के पीछे कोई रन नहीं। और इसी के साथ ये तीसरी ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, सहार विमेंस 11 का स्कोर है 14 रन। कड़ी धूप, गर्मी बदौलत पानी की प्यास लगी वहां पर बैटर को। अगले बॉलर के रूप में ज्योति पहुंचे हैं वहां पर, नाम सुन देख रहे हो टोपी पर ही। अब स्ट्राइक पर प्रगति फिर से तैयार, चौथी गेंद की पहली गेंद का सामना करने के लिए। जे भाई बहनों भोजन नो लाभ न लीधो हो विनती भोजन नो लाभ लई ले। अने वाइस के माटे त्या काउंटर खुलू छे तेनो लाभ ले सौ कोई भाई बहनों जे भाग न लीधो हजी सुधी रजिस्ट्रेशन करावी न होय तो तेओने नम्र विनती आ सारा कार्य में पोतानु योगदान आपे पोताना माटे अने अन्य माटे। प्रगति फिर से स्ट्राइक पर पहुंच चुकी है, बहुत ही चुस्ती और स्फूर्ति के साथ में अब तक उन्होंने यहां तक प्रदर्शन किया है। प्रगति ने अच्छे रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए। आठ गेंदों में 9 रन बनाए अब तक प्रगति ने, कुछ लंबे शॉट लगाने होंगे। ज्योति तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे प्रगति। अगली गेंद प्रगति ने उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में है वहां पर, कैच की कोशिश करी और ये आउट। वापस पेविलियन पर पहुंच चुकी है, नए बल्लेबाज के रूप में पंक्ति वहां पर पहुंची है क्रीज पर। अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद ज्यादा उठी नहीं, विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गैदर किया हेमलता ने। मोक्सी अगली गेंद, घूम कर खेल दिया है सीधा बॉल फील्डर के हाथों में, बहुत ही
होने पर वहां पर पहुंची है कृष्णाबेन। नया आए हैं कृष्णाबेन। अगली गेंद फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए, स्तंभ बिखेर दिए, मगर एम्पायर का इशारा नो बॉल का शायद। हम जानना चाहेंगे एम्पायर सर, ये नो बॉल था या नहीं। यस इट इज नो बॉल, स्ट्राइक पर है पंक्ति। गेंदबाज है, बॉलर कौन है? ज्योति गेंदबाज के रूप में सामना करेंगे पंक्ति। नवा जमानाना नवा नामो छे, बोलवामां पण तकलीफ थाय छे। हीराबेन वेलबेन लक्ष्मीबाई केवी शांति हती बोलवामां। जसुबाई पंक्ति तैयार, ज्योति की अगली गेंद का सामना करेंगे पंक्ति। ज्योति की अगली गेंद सामना करेंगे पंक्ति, उठाकर खेल दिया विकेट के पीछे, गेंद जा रही है बाउंड्री तरफ, अच्छी तरह से रोक लिया वहां पर मैत्री ने, चतुराई पूर्वक ढकेल दिया गेंद को वापस मैदान के तरफ। उस दरमियान दो रन चुराने में कामयाब वहां पर पंक्ति, स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 17 रन 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेटों के नुकसान पर 17 रन। सहाड़ विमेंस 11 का स्कोर 17 रन 5 विकेट। ज्योति की अगली गेंद सामना करेंगे पंक्ति, उठाकर खेल दिया फिर से उसी दिशा में विकेट के पीछे, वही फील्डर मैत्री केवल एक रन से संतुष्ट वहां पर पंक्ति। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, सहाड़ विमेंस 11 का स्कोर है 18 रन 5 विकेट। सामना करेंगे कृष्णा, ज्योति की अगली गेंद का फुल टॉस और यह नो बॉल का इशारा। बहुत ही ऊंची गेंद थी, नो बॉल और ये बाय का इशारा, शायद ये फ्री हिट भी रहेगी। लेग बाय, बाय नहीं लेग बाय के रूप में ये रन गिना जाएगा। अगली गेंद सामना करेंगे पंक्ति और अच्छा शॉट कोशिश की थी वहां पर ज्योति ने कैच करने की, मगर नाकाम रही, एक रन चुरा लिया तब तक पंक्ति ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद सहार विमेंस 11 का स्कोर है 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बॉलर के रूप में वहां पर पहुंची है दार्मी, फिर से एक बार सामना करेंगे पंक्ति। उठाकर खेल दिया है वहां पर, बहुत ही बढ़िया कैच मोक्षी द्वारा। ओवर की पहली गेंद पर भी जो चटका है इनाम।
अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। नए बैटर के रूप में क्रीज पर पहुंची है प्रीति। धार्मी ने पहली डिलीवरी पर पंक्ति का विकेट लिया। ₹1000 इनाम पाएंगे अवश्य किशोर सेठिया की ओर से। बल्ले और गेंद का कोई कांटेक्ट नहीं। विकेट कीपर ने विकेट के पीछे गैदर किया। फिर से बल्ले और गेंद का मिलन नहीं हुआ, वाइट का इशारा। धार्मिक का तीसरा बॉल और इस बार भी बल्ले और बॉल का कुछ मैचिंग नहीं और वाइट रन का इशारा। अगली गेंद बहुत ही खतरनाक तरीके से रन लिया, रन आउट का खतरा बन सकता था मगर बच गई बाल बाल। गेंद चली गई दूसरी दिशा में। कृष्णा ने एक रन चुरा लिया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन गेंदबाज के रूप में है छोटी सी कद की लड़की। हेलो अंडर 16 जीबी ब्लास्टर थाने अने अंडर 16 यंगस्टर जूनियर थाने ई बन्ने ना दरेक खिलाड़ियों स्टेज पासे आवी जाए। जीबी ब्लास्टर थाने धार्मी के अगली गेंद यंगस्टर जूनियर थाने बहुत ही अच्छी गेंद। विकेट कीपिंग करते हुए वहां पर महक। धार्मी फिर से तैयार बॉलिंग करने के लिए। सामना करेंगे बैट्समैन पंक्ति प्रीति, क्षमा कीजिए प्रीति है स्ट्राइक पर। ताहिर भाई कितना स्कोर हुआ दादा? 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर बहुत ही गैदरिंग अच्छा वहां पर। ए हड़बड़ाहट पूरा फायदा उठाया वहां पर कृष्णा बेन ने, अपने आप को बचा लिया वहां पर। यकीनन ये रन आउट के रूप में विकेट गिर सकता था। एक रन का बढ़ोतरी यहां पर 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज ज्योति। सामना करेंगी बल्लेबाज। गेंद हवा में कोई नुकसान नहीं, केवल एक रन से संतुष्ट वहां पर बैटर। नाम सुन बेन पहली टूपी वाली प्रीति ने एक रन चुरा लिया अपने आप के लिए और अपनी टीम के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सहाड़ विमेंस 11 का स्कोर। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद ज्योति द्वारा। घूमकर खेलना चाहते थे मगर नाकाम रहे। विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छी तरीके से गैदर किया। शायद वो विकेट कीपर का नाम है महक। एक मिनट यंगस्टर जूनियर अने जीबी ब्लास्टर थाने अंडर 16 ना टीम ना कैप्टन अहीं आवी चुक्या छे अने आपणे एनो टॉस करवानो छे। तो टॉस माटे नाती ट्रस्ट फंड मुंबई ना ट्रस्टी अने एवा शांतिलाल भाई भीमाणी अने शांतिलाल भाई भगत ने विनंती करीश के टॉस माटे तेओ नीचे आवे। अगली गेंद ज्योति की।
और ये वाइड का इशारा लेग स्टंप से बाहर थी। महक ने बहुत बढ़िया तरीके से गैदर किया, गेंद वापस कर दिया बॉलर की दिशा में। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सहार विमेंस 11 का स्कोर 27 रन। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। कृष्णा के बल्ले पर आई नहीं गेंद बरोबर, लपेट कर खेलना चाहते थे वहां पर कृष्णा। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद आखिरी ओवर के लिए लेकर तैयार ज्योति। सामना करेंगे कृष्णा। अच्छी गेंद, हो गया। इसी के साथ ये इनिंग की समाप्ति। 28 रन का टारगेट रखा है सहार विमेंस 11 ने थाना शक्ति ए के सामने। 28 रन टू विन, टारगेट इज गिवन बाय सहार विमेंस 11। 28 रन इज द टारगेट फॉर शक्ति ए थाना टीम। को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना, अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। के ओर से पहली ओवर डालने आ रही है चेतना। स्ट्राइक पर है महक। चेतना की गेंद का सामना करेंगे पहली ओवर की पहली गेंद का। महक और दिशा ओपनिंग बैटर के रूप में क्रीज पर मौजूद और एम्पायर का इशारा मैच शुरू करने के लिए।
चेतना तैयार, 28 रनों की दरकार, चेतना आगे बढ़ते हुए सामना करेंगी महक। शॉर्ट पिच गेंद थी, चतुराई पर खेल दिया कवर की दिशा में, एक रन आसानी से मिलेगा वहां पर, अच्छी फील्डिंग कही जा सकती वहां पर फील्डर द्वारा, दूसरा रन का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। इसी के साथ अपना खाता खोलते हुए महक अपने लिए और अपनी टीम के लिए, एक रन बिना कोई नुकसान के। दिशा तैयार सामना करेंगी इस ओवर की दूसरी गेंद की, चेतना आगे बढ़ते हुए, अच्छी गेंद, कोर्ट बिहाइंड की अपील मगर एम्पायर अनमूड। अगली गेंद चेतना द्वारा, तेज गेंद थी, गेंद हवा में मगर कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक रन आसानी के साथ चुरा लेंगे वहां पर दोनों बैटर। दिशा ने अपना खाता खोला और आगे बढ़ता हुआ, दो रन बिना कोई नुकसान के। शिव शक्ति ए थाना, सीएनएस कमेटी ग्राउंड ऊपर जहां पड़ी हो स्टेज पासे आवी जाए, सीएनएस कमेटी स्टेज पासे आवी जाए। अच्छा फ्लिक किया लेग की दिशा में, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बैटिंग वहां पर, उतनी ही प्यारी फील्डिंग वहां पर प्रगति द्वारा, बाउंड्री लाइन से आगे बढ़ते हुए गेंद को लपका वापस कर दिया बॉलर की दिशा में, तीन रन बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद उठाकर खेल दिया है वहां पर, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, गेंद आ रही है बाउंड्री की दिशा में मगर बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई यहां पर, फिर से एक बार प्रगति ने अपनी टीम के लिए यकीनन दो रन बचाए वहां पर। रफीक भाई फिर से तैयार, दिशा चेतना आगे बढ़ते हुए सामना करेंगे दिशा, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से एक बार अपील कोर्ट बिहाइंड की मगर कोई असर नहीं एम्पायर द्वारा, एक ओवर पांच रन बिना कोई नुकसान के। दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं रिद्धि, RIDDHI रिद्धि। बॉलर के रूप में रिद्धि, बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं किसी के लिए, चार रन। मंजे हुए बल्लेबाज की तरह पूरी ताकत के साथ खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी को हिलने तक का मौका नहीं दिया किसी फील्डर को, और लगा दी सनातनी चौका, फिर से खेल दिया बहुत ही बढ़िया, छह रन के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर से लगातार दो गेंदों में चौका और छक्का जड़ दिया है। बनने टीमों स्टेज पासे आवी जाए, कमाल का शॉट वहां पर मैक का, लगातार दो गेंदों में एक चौका और छक्का जड़ दिया अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये वाइड का इशारा,
16 रन बिना कोई नुकसान के थाना की टीम शक्ति 11 ए बहुत ही जबरदस्त दो प्रहार किए वहां पर महक ने, एक चौका उसके बाद छक्का, पैरेलल सिक्स गई थी वहां पर। लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, फ्लिक करना चाहा, केवल एक रन मिलेगा वहां पर और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 17 रन 17 विदाउट एनी लॉस। दिशा स्ट्राइक पर है, अब लेग स्टंप से बाहर की ओर गई और विकेट की कवरेज चकमा देती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, गेदर किया तब तक 2 रन चुराने में कामयाब, वाइड का इशारा और बाय का भी इशारा, टोटल 3 रन अपने खाते में जोड़ लिए वहां पर शक्ति 11 ए की दोनों खिलाड़ियों ने। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पर और एक बार बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। एक बार वाइड और बाय, अच्छा ओके, जीत के लिए केवल 4 रनों की दरकार। दिशा ने बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था 4 रनों के लिए यहां पर। अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा और बाय का इशारा इसी के। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया।